फ्रेंड्स, फैमिली आईडी किस तरह से आप बना के प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे पहला स्टेप आएगा आधार प्रमाणीकरण। आपको आधार नंबर डाल के ओटीपी द्वारा वेरीफाइड करना होगा। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आवेदक का विवरण आपको भर देना है, पिता का नाम, ये सब डिटेल्स भरने के बाद। इसके बाद सदस्यों की संख्या, अगर आप किसी फैमिली का जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना है, आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चौथे स्टेप पे आ जाएगा आपका पता। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस पता है यहाँ पे सब डिटेल्स भर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए हमने बना दिया। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देंगे। जब फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपका आवेदन सुरक्षित कर दिया गया है, आपकी फैमिली आईडी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद प्रोविजनल तथा वेरिफिकेशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपका सब फोटो हो जाएगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, फैमिली आईडी नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनका नाम डिटेल सब दिया गया है। स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो ऐसे आप फैमिली आईडी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं।